कैप्टन लिवाय या फॉर्मली बोलूँ तो एक्रेमन लिवाय एक ऐसा कैरेक्टर था पूरे सीरीज़ में जो अपने स्ट्रेंथ, इमोशन, बॉडी एंड विल पावर को बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन तक पुश कर देता था। सो हैव यू एवर इमेजिन्ड कैप्टन लिवाय इतना ताकतवर कैसे बन गया? मतलब इट्स ऑब्वियस कि उसने बहुत हार्श और रिगुरस ट्रेनिंग की होगी, बट इफ़ वी अनफोल्ड द बैक स्टोरी और पास्ट ऑफ लिवाय देन यू विल गेट टू नो दैट हार्श ट्रेनिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग लिवाय गॉन थ्रू। सो इट्स ऑब्वियस लिवाय के पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जो उसको फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली ट्रेन किए थे। सो वेल, इन टुडेज वीडियो वी विल सी कैप्टन लिवाइज बैक स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। अर्ली चाइल्डहुड फेज की बात करें तो लिवाय एल्डिया के अंडरग्राउंड सिटी में बॉर्न हुआ था और शुरू से ही उसे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिला था, बट दिस थिंग डजंट स्टॉप हिम टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। सो एज यू ऑल नो, लिवाय एक एक्रेमन फैमिली से बिलोंग करता है। सो फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज ऑनवर्ड्स उसको मार्शल कॉम्बैट और फाइटिंग टैक्टिक्स से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। बात आती है पेरेंट्स की, सो हमें लिवाय की मदर के साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है। लाइक लिवाय की मदर उसके अपब्रिंगिंग के लिए बहुत स्ट्रगल की थी। सो फ्रॉम दिस लिवाय अंडरस्टैंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ईच ग्रेन हर मदर हैज सैक्रिफाइस्ड ओनली फॉर हिज लाइफ एंड दिस थिंग मेड हिम टू मेंटली स्ट्रॉन्ग। वेल, आफ्टर सम टाइम लिवाय गॉन थ्रू अ ग्रेट ट्रेजेडी व्हेन हिज मदर वॉज मर्डर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। लाइक कुछ पैसों के लिए थग्स ने लिवाय की मम्मी का उसी के सामने मर्डर कर दिया था। मतलब यार, एक लड़के के लिए इससे बुरा क्या होगा उसकी लाइफ में। फ्रॉम दैट इंसिडेंट ऑनवर्ड्स लिवाय के अंदर एक आग सी जल गई थी। उसके लाइफ का बस एक ही एम था कि यार किसी इंसान के साथ गलत ना हो और किसी इंसान को पैसों या खासकर खाने के लिए ना मारा जाए। सो लिवाय स्टार्ट मर्डरिंग ऑल द बैड पीपल हु वर थेफ्टिंग इनसाइड द टाउन एंड दिस मेक लिवाय पॉपुलर इन द होल टाउन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब यहाँ तक तो लिवाय की लाइफ में सिर्फ उसकी मदर ही एक सहारा थी, बट देन एंट्री होती है केनी एकरमैन की। ये लिवाय का अंकल है, मतलब सिंपली बोले तो मामा। सो आफ्टर द डेथ ऑफ लिवायज मदर, केनी उसके अपब्रिंगिंग में सहारा बनता है। सो केनी लिवाय को फाइटिंग एंड सर्वाइवल स्किल्स सिखाता है जो लिवाय की स्किल्स और माइंडसेट को डीपली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे केनी भी एक एकरमैन फैमिली से ही बिलोंग करता था। सो एज आई हैव टोल्ड, अभी तक लिवाय एल्डिया के अंडरग्राउंड सिटी में रहता था। सो एज टाइम पासेज वहाँ वॉयलेंस भी बहुत बढ़ गया था एंड टाइम के साथ लिवाय से बहुत डेंजरस इनकाउंटर्स भी होने लगे और ये चीज़ उसे बहुत सीरियस और रफ नेचर का बना देती है। देन लिवाय छोटे थीव्स के ग्रुप को ज्वाइन करता है एंड देन लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। देन अ डे केम व्हेन लिवाय फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ इनकाउंटर्स द ऑपरेशन ऑफ सर्वे कॉर्प्स टू एलिमिनेट द टाइटन्स और ये चीज़ लिवाय को इतनी ज़्यादा प्रभावित करती है कि लिवाय डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी सर्वे कॉर्प्स को सर्व करते हुए बिताएगा। देन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्वे कॉर्प्स, लिवाय को उसकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल गया था। जैसे उसने टफ से टफ सिचुएशन में और इंटेंस हाई प्रेशर सिचुएशन में भी स्ट्रेटजी कैसे बनाए ये सीख लिया था। इन शॉर्ट, ही हैड डेवलप्ड अ शार्प स्ट्रेटेजिक माइंड। देन उसने फिजिकल फ्रंट पे भी बहुत ट्रेन किया, अपनी बॉडी को उसने सुपीरियर एजिलिटी हासिल कराई, 3-डायमेंशनल मैन्यूवर गियर मास्टर किया, लीडरशिप स्किल्स डेवलप की और यही सब फीचर लिवाय को कैप्टन लिवाय बना देती है और हेल्प करती है अपने लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करने में। सो दोस्तों, यही थी कैप्टन लिवाय या बोलूँ तो एक्रेमन लिवाय की बैक स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू थिंक माई वीडियोज आर वर्थ वॉचिंग। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, पीस आउट, सायोनारा, गुड बाय।